subscribe to our channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. बहुत जान है इस सभा में, बहुत जान है. मेरे बारे में बहुत बातें हो रही हैं कि ये क्या कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा. ये शत्रुघ्न सिन्हा का दिमाग खराब हो गया है. भारतीय जनता पार्टी में इतने सालों से हैं और आज अपनी पार्टी के खिलाफत बगावत कर रही है. ये मैं सुनता हूं, मैं पढ़ता हूं, हमारे पत्रकार बंधुगण बोलते हैं कि चारों तरफ चर्चा होती है कि आप बागी हो गए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं. क्या यह वजह है कि आपको मंत्री नहीं बनाया इसलिए? हमने कहा यह भी एक प्रचार तंत्र का हिस्सा है. अगर अडवाणी जी को आज राष्ट्रपति नहीं बनाया गया, या अडवाणी जी को कोई मंत्री या प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, और अगर अडवाणी ने कोई प्रतिक्रिया दी तो बोल दो मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए. यशवंत सिन्हा जैसा स्टेट्समैन अगर काबिलियत की बात करता है तो कह दो मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए ऐसा बोल रहे हैं. मुरली मनोहर जोशी जैसा पंडित, ज्ञानी, गुणी, उनको मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए वो रूठे हुए हैं. अरुण शौरी जैसा परम विद्वान, पत्रकारों की आन बान और शान, लेखकों की, और उसे अगर मंत्री नहीं बनाया गया तब वो ऐसी बातें करे, ये क्या तमाशा है. आज के दिन अगर मंत्री बनाया भी जाता तो कितने 90% मंत्रियों को तो आज जानते नहीं है. जानते हैं तो मानते नहीं है, जान गए मान गए तो पहचानते नहीं है, और पहचान गए उनके पास किसी काम के लिए जाए तो किसी काम के नहीं है. आज आपसे ही पूछा जाए, किसी बच्चे से पूछा जाए कि खड़े होकर 5 मंत्री का नाम बताओ कैबिनेट मंत्री का, तो पहला नाम ले लेंगे वो प्रधानमंत्री का जिनके बारे में नहीं पूछा गया, दूसरा नाम ले लेंगे अमित शाह जी का जो मंत्री नहीं है वो प्रेसिडेंट है पार्टी के, और तीसरे में आ ऊ हो जाएगा, आ ऊ ए बी सी. किसी को पहचान को किसी को, सारा काम तो पीएमए से होता, पीएमओ से. मुझसे लोग पूछते थे, हमारे सामने यशवंत भाई से पूछा गया कि अटल जी की सरकार में भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, उनकी सरकार में और इस सरकार में क्या अंतर है? तो यशवंत भाई ने जवाब दिया, वही अंतर है जो लोकशाही में है, लोकशाही में और तानाशाही में होती है. यहां तानाशाही दिख रही है, वहां लोकशाही थी. फर्क है, बहुत फर्क है. मुझे लोग कहते हैं आप बगावत कर रहे हैं. अरे अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं. सच कहना बगावत है? आप खुद सोचिए कि हम सब इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है. देश से बड़ा कुछ भी नहीं. अभी संजय सिंह जी वही जोर दे रहे थे कि देश रहेगा ही नहीं, क्या बांटेंगे और क्या करेंगे हम, देश से बड़ा कुछ नहीं. तो अगर आप देश हित में बात कर रहे हैं, इसका माने जाहिर है कि आप पार्टी के हित में भी बात कर रहे हैं, पार्टी को फीडबैक दे रहे हैं, पार्टी को आईना दिखा रहे हैं. अगर आप पार्टी को आईना दिखा रहे हैं तो जनहित में और देश हित में, और देश हित में किया गया काम वो अपराध नहीं होता, उसके लिए सम्मान होनी चाहिए, मान सम्मान मिलनी चाहिए. अगर मैंने कहा कि नोटबंदी गलत हुआ है तो क्या गलत कहा? आप जरा खुद देखिए, हमारे छोटे छोटे व्यापारियों को, किसानों का, मजदूरों का, ठेले वालों का, रेहड़ी वालों का, पटरी वालों का, डेली वेजेस वालों की क्या हालत हुई. गांव से लोग छोड़ छोड़ के जो दूर दूर से शहरों में आए थे काम करने, वो फिर छोड़ छोड़ के चले गए अपने गांव में. छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, काला धन लाएंगे लोग अपने अपना पैसा लेने के लिए लाइन में खड़े हो गए. कितने लोग मारे गए, हमारे घर की महिलाओं, हमारे माताओं पे, बहनों पे क्या गुजरी होगी.
अपने पति से छुपा के, लेकिन अच्छी नीयत से, अपने पति से छुपा के, अपने बच्चों से छुपा के, उन्हीं के लिए पैसे रखे थे, कभी उनके दवा दारू के लिए, कभी उनकी शादी के लिए, सालों से छुपाया हुआ पैसा अच्छी नीयत से हवा हो गया, कागज हो गया, एक रात में, एक फरमान पे, एक तुगलकी फरमान, बगैर किसी से बात किए हुए। लोग मुझे कहते हैं, आप क्यों बोलते हैं, ये तो आपकी पार्टी का फैसला था। तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, ये पार्टी का फैसला नहीं था, ये कैबिनेट का फैसला नहीं था। अगर ये पार्टी का फैसला होता तो मुझे नहीं मालूम, कम से कम आडवाणी जी को तो मालूम होता, कम से कम मुरली मनोहर जोशी जी को तो मालूम होता, यशवंत सिन्हा जी को तो मालूम होता। लोग तो कहते हैं कि देश के वित्त मंत्री को भी मालूम नहीं था, उनसे भी छुपा के अचानक रातों रात घोषणा कर दी। क्यों कर दिया आपने, इस पे हम शांत बैठे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का अवश्य हूं अभी तक, लेकिन उससे पहले मैं भारत की जनता का हूं, और भारत की जनता के साथ मेरी जिम्मेदारी या जवाबदेही ज्यादा है और वफादारी ज्यादा है। अभी नोटबंदी से हम उभर ही नहीं पाए थे कि कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी, अच्छे अच्छों को समझ नहीं है जीएसटी क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मतलब है जीएसटी, यानी कि वन नेशन वन टैक्स की बात हुई थी। जीएसटी जब लागू किया गया, मैं भी बैठा था रात के 12 बजे, लगा कि शायद देश में दूसरी आजादी आ गई हो। वन नेशन वन टैक्स, आज जीएसटी पे वन नेशन 36 टैक्स आ चुके हैं, और 36 टैक्स से भी ज्यादा आपको शायद पता नहीं हो, साल में 365 दिन होते हैं, इस जीएसटी में 357 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, यानी अभी 365 भी हो जाएंगे, इतने अमेंडमेंट्स हुए हैं। डिजिटल इंडिया, अरे अच्छे अच्छों को पहले ट्रेनिंग दी नहीं है, काउंसलिंग दी नहीं है, समझ में आता नहीं है, और उसके बाद आप कह रहे डिजिटल इंडिया, जीएसटी। ये जीएसटी का ड्रामा अगर आप शांत कैसे बैठे, हमारा कुछ फर्ज बनता है अपने लोगों के लिए, और खासकर हम जैसे लोग जो चुनकर आए हैं, जनता के प्रति जवाबदेही है, इसलिए ऐसी बातें करता हूं। तब क्या होता, उनका प्रचार तंत्र या धन तंत्र का इस्तेमाल मीडिया तंत्र पे इस कदर पकड़ जाता है कि ये बातें फैलाई जाती हैं और कही जाती है कि चूंकि उनको कहा गया है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, या साहब उनको जो ऐसे कह रहे हैं वो गद्दारी कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, एक प्रचार करते करते एक झूठ को फैलाते फैलाते। हजार बार सुनता रहता हूं कि शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट नहीं मिलेगा, जबकि पूरे देश में आपको पता होगा शायद कि पिछले चुनाव में पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट शेयर मार्जिन किसी का था तो आपके अपने बिहारी बाबू का, आपके अपने शत्रुघ्न सिन्हा का था। एक तरफ कहते हैं सिटिंग गेटिंग, एक तरफ कहते हैं कि जिसको सबसे ज्यादा नंबर वन है उसको तो दिया ही जाएगा, उसके बारे में कोई सोच नहीं, कोई राय नहीं, उसको आप टिकट नहीं देने की बात करें। अरे काहे का किसको डरा रहे हो भाई, मेरा नाता रिश्ता सीधा आपसे है, आप लोगों से है, आप लोग हमें क्यों, आप लोग जब मेरे साथ हैं तो ये किस बात का डर है, काहे का कहते हैं टिकट नहीं देंगे। अरे अब इसरा ये भी तो सोचो, आप टिकट दोगे या नहीं दोगे, ये उससे पहले ये सोचो मैं टिकट लूंगा या नहीं लूंगा, वो भी तो सोचो। हमारे मैं कितना खुशकिस्मत और भाग्यशाली समझता हूं, देश की चंद जो सबसे अच्छी और जबरदस्त पार्टी और जिसकी पकड़ है इतने कम समय में, आप आदमी जिसके लोग यहां बैठे हुए हैं, जाके केजरीवाल जाके मनीष सिसोदिया, जिन्होंने पूरे दिल्ली में संजय सिंह वगैरह के साथ मिलकर एक क्रांति, और खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति पैदा कर दी, ऐसी क्रांति पैदा की है कि शायद भूतो ना भविष्यतो, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में
आज आप आदमी के द्वारा किए गए काम की और खासकर शिक्षा में और स्वास्थ्य में इतनी तारीफ हो रही है कि आप तमाम लोग, प्रीति जी, संजय जी और तमाम लोग आपके बैठे हुए हैं, सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इनका भी भरपूर सहयोग मुझे मिलता है, क्यों? जनता के लिए, देश के लिए। मैं आभारी हूं इनका और अलग अलग दलों का, इतना सही मिलता है। वही मैं आशीष से कह रहा था, आशीष मुझसे पूछ रहे थे, उनकी बड़प्पन है, पूछ रहे थे कि मैं पार्टी से रिजाइन कर दूं क्या। सो मैं, अब बहुत हो गया, अब मुझे लगता है पार्टी से रिजाइन कर देना चाहिए। हमने कहा, आशीष आप बिल्कुल पार्टी से रिजाइन नहीं करें, पार्टी आपको निष्कासित करती है, सर आंखों पे लें, लेकिन आप जनता के द्वारा चुने गए हो। कुछ लोगों के कहने पे आप पार्टी को छोड़ोगे, आप पार्टी को आईना दिखा रहे हो, आप पार्टी के जब तक सही काम कर रहे हो, आप पार्टी को जब तक सही दिशा दे रहे हो, जब तक आप पार्टी में हैं, उसके बावजूद अगर किसानों के लिए, दलितों के लिए, हमारे अल्पसंख्यकों के लिए, हमारे गरीब परिवार के लिए, जिन्हें लांछित, वांछित, उपेक्षित कहते हैं, इनके लिए अगर आप काम कर रहे हो, तो फिर चिंता मत करो और कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। और अगर वो निष्कासित करेंगे तो उसे भी प्रभु का आशीर्वाद ही समझना, आप छेड़छाड़ मत करो, उनको छेड़छाड़ करने दो, नतीजा उनको आप समझ में आ जाएगा। मैंने भी अपने बारे में यही कहा। उन्हें कहा, शत्रुघ्न जी तो छोड़ क्यों नहीं देते पार्टी में? चुप ललुआ, छोड़ क्यों नहीं देते पार्टी, काहे को छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। अबे काहे का छोड़ूंगा, तुमको छोड़ना है छोड़ दो, मैं डिसिप्लिन्ड आदमी हूं, पार्टी का मर्यादित कार्यकर्ता हूं, तुम अगर छोड़ोगे तो मैं उफ न करूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्यों छोड़ूं? मैं जनता के द्वारा चुना गया हूं, इसलिए आया था क्या कि ऐसे ही एक दिन छोड़ दूं? संघर्ष तो करना है, और यहां तो युवा पीढ़ी या युवा सांसद बैठी है यहां पे, इस बात को ध्यान रखना। अंग्रेजी की कहावत है कि व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को पार करने की शक्ति होती है, क्षमता होती है, ताकत होती है, जान होती है, वही पार कर सकता है। और आप यहां दायरे में रहते हुए जनहित में, राष्ट्रहित में सब कुछ कर सकते हैं, आप चाहें तो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, आप ठान लें तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। आप खुद देख लें, अगर मैं बगैर किसी परिवार के, किसी रिश्तेदार के, दूर दराज का साया पॉलिटिक्स में नहीं, उससे पहले दूर दराज के रिश्तेदार का साया फिल्मों में नहीं, मैं कहां अपने पटना से निकलकर पूना FTII होते हुए अगर मुंबई में और फिल्मों में जो भी जगह ख्याति हासिल कर सका, और उसके बाद पॉलिटिक्स में एक पहला पूरे हिंदुस्तान के फिल्म उद्योग का पहला व्यक्ति या व्यक्तित्व ऐसा रहा जो कि फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बना, रिकॉर्ड बुक्स में नाम दर्ज हुआ, आज तक कोई भी इंसान फिल्मों का, चाहे तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, कभी भी कोई फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना। मैं कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बना, मैं कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग बना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के और लाल कृष्ण आडवाणी जी के आशीर्वाद से। तो मैं ये बताना चाहता हूं खासकर युवा सांसद को और तमाम युवकों को, नवयुवतियों को, कि आप मुझे गौर से देखो, मेरी किताब एनीथिंग बट खामोश में लिखा हुआ है, ये पूरा जो आज इतनी पॉपुलर बुक हुई है मेरी, एनीथिंग बट खामोश, जीवनी जो लिखी है उसमें लिखा हुआ है कि फिल्मों में भी कोई रिश्तेदार नहीं और पॉलिटिक्स में भी कोई रिश्तेदार नहीं। आपके अंदर लगन है, आपके अंदर वो कमिटमेंट है, आपके अंदर डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट पैशन है, तो आप नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब मौत से टकराता है, मौत झुककर सलाम करती है। आप चाहें तो कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, और करके दिखाया हमारे आशीष ने,
ये कर्ज, ये इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि आशीष रोल मॉडल हैं, जैसे हमारे दिल्ली में संजय सिंह रोल मॉडल हैं, वहीं मैं देख रहा हूं कि यहां पे हमारे आशीष जो हैं रोल मॉडल हैं, और ऐसे रोल मॉडल के जरिए हम और लोगों को पेश करेंगे, और लोगों को बढ़ावा देंगे। मामला सिर्फ किसानों का हो या विदर्भ स्टेट का हो या हमारे अपने दलित परिवार का हो या हमारे अपने गरीबों का हो, बैकवर्ड्स का हो, एससी एसटी का हो, जितने लोगों का मामला हो, युवा सांसद डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट के साथ उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ने के बाद अगर मंजिल तक पहुंचाने में अगर हम जैसे लोगों की, चाहे आपके आपकी या आपको हमारी या हम जैसे लोगों की कभी कोई आवश्यकता पड़े तो निसंदेह निसंकोच याद कर लीजिएगा, मैं आज के रामायण के राम का छोटा भाई शत्रुघ्न, रामायण की परंपरा को भली भांति निभाते हुए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं हर हाल में आपके साथ हूं, आपके साथ था और आपके साथ रहूंगा। जय विदर्भ, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। Press the bell icon on Nation Next YouTube channel to see more videos from Nation Next. Also like Nation Next on Facebook and follow Nation Next on Instagram and Twitter to see more updates from us.